नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सतना में एक युवक के नहर में बह जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि युवक एक ढाबे के पास खड़ा होकर ट्रक साफ कर रहा था। उसी दौरान अचानक पैर फिसल जाने से वो नहर में जा गिरा और काफी गहराई तक पहुंच जाने की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। सतना जिले के कोलगुआ थाना क्षेत्र के करगिल ढाबा के पीछे नहर में वाहन धोते समय एक युवक का पैर अचानक फिसल गया और वो गहरे पानी में समा गया। घटना के वक्त मौके पर मौजूद उसके साथियों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि हनुमान नगर नई बस्ती का रहने वाला निक्की यादव अपने साथियों के साथ बोलेरो में सवार होकर गया था। इसी बीच वे लोग वाहन धोने के लिए कारगिल ढाबा के पीछे स्थित नहर के पास पहुंचे। बोलेरो वाहन से मैट निकालकर उसे धोने के लिए जैसे ही निक्की पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वो नहर में डूब गया। हालांकि उसी वक्त उसके दोस्तों ने जाल फेंक कर बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के तेज बहाव में बह गया। पानी धो रहे थे, मैट निकली उधर से, मैट निकाला निक्की, इधर धोने लगा, मैं उधर की मैट निकालने लगा, इधर से स्लिप होके चला गया निक्की। कौन था वो भाई? था मेरा। आपका भाई जो बड़ा भाई था? दोस्त था मेरा। अच्छा, दोस्त था आपका। निक्की पूरा नाम क्या लिखता है? निक्की यादव जी। उसके डूबने के बाद आपने? मैं भी कूदा जी वहाँ से। वो जाल फेंके थे, इधर यहाँ तक पहुँचा, वहाँ तक दिखा है निक्की, नहीं मिला, वहाँ से डूब गए, तो जाल पकड़ के मैं बाहर खींच ली मुंह मेरे।